Hey guys, welcome back to the AR YouTube channel. और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 268 जल्द ही त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरने वाला था। ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों के बीच सफेद बादल कुदरत के सुंदरता में चार चांद लगा रही थी, लेकिन किसे पता था कि यही बादल मिनटों में प्लेन का चकना चूर कर देगा। ATC के अनुसार प्लेन बिल्कुल सही एल्टीट्यूड पर, सही पोजीशन पर उड़ान भर रहा था, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 28 सितंबर 1992 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 268 काठमांडू के लिए उड़ान भरा। प्लेन में 167 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस प्लेन को 49 वर्षीय कैप्टन जेंजुआ उड़ा रहे थे, वही 35 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर हसन अख्तर थे। इसके अलावा दो फ्लाइट इंजीनियर भी प्लेन में मौजूद थे। प्लेन बिना किसी प्रॉब्लम के पाकिस्तान से नेपाल के लिए निकल पड़ा। धीरे धीरे ये प्लेन नेपाल के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। अब त्रिभुवन ATC फ्लाइट 268 को गाइड करने लगा। ATC के आदेश के अनुसार प्लेन धीरे धीरे 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। अब यहाँ पर लैंडिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला था। ATC ने कहा कि 7 बार स्टेप डिसेंट करो, जब तक कि आप 5,800 फीट के एल्टीट्यूड पर ना आ जाए। नाउ अब ये स्टेप डिसेंट क्या होता है दोस्तों? त्रिभुवन एयरपोर्ट विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर प्लेन्स को स्टेप डिसेंट, यानी कि जैसे सीढ़ी से हम नीचे आते हैं, वैसे ही प्लेन को भी 7 बार नीचे उतारना था। ये मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है। ये है विशाल पर्वत। यहाँ पर प्लेन कुछ इस तरह सीढ़ी नुमा पर्वतों के ऊपर से होते हुए नीचे की ओर आता है, और ये है रनवे। प्लेन यहाँ पर लैंड कर जाता है। फ्लाइट 268 जैसे जैसे स्टेप डिसेंट कर रहा था, वैसे वैसे पायलट ATC को इन्फॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से पायलट का कॉन्टेक्ट टूट गया। ATC ने दोबारा कोशिश किया कॉन्टेक्ट करने की, पर अफसोस कोई भी जवाब नहीं मिला। एक धमाके के बाद सब कुछ शांत हो गया। प्लेन करीब 7,300 फीट के एल्टीट्यूड पर एक हिल से टकरा चुका था। इस घटना में सभी लोगों की मौत हो गई। प्लेन का टेल टूटकर लुढ़कते हुए नीचे आ गिरा। मौत का ये मंजर देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, गलती आखिर कहां और किसकी थी। सारे बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधर खोजी दल दोनों ब्लैक बॉक्स को तुरंत ही पेरिस भेज दिया। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम लग गई एक अनसुलझे केस को सॉल्व करने में। हो सकता है प्लेन में कुछ टेक्निकल खराबी हो गई हो, इसलिए प्लेन नीचे आकर हिल से टकरा गया। प्लेन को 8,200 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भरना था, लेकिन ये प्लेन लगभग 1,000 फीट नीचे उड़ रहा था, इसलिए तो ये हिल से टकरा गया। लेकिन आखिर क्यों ये प्लेन गलत एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था? क्या इसमें कोई टेक्निकल खराबी हो चुकी थी जिसकी वजह से प्लेन नीचे आने लगा हो? इसके बारे में सिर्फ ATC ही बता सकता था। ATC से पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि मैंने बातचीत के दौरान मैंने ऐसा कोई भी अलार्म नहीं सुना जो ये दिखाता हो कि कोई टेक्निकल फेलियर हो गया हो। इवन पायलट ने भी टेक्निकल फेलियर का कोई भी जिक्र नहीं किया, और प्लेन तो सही एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था। सही एल्टीट्यूड? वेल, अगर प्लेन सही एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था तो फिर प्लेन को हिल के ऊपर से गुजर जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। ATC ने कहा कि प्लेन स्टेप डिसेंट पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा था, इसलिए क्रैश की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। स्टेप डिसेंट पाथ, प्लेन में एक लैंडिंग चार्ट होता है जिसे देखकर पायलट्स को स्टेप डिसेंट करना होता है, और ये भी देखना होता है कि एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर प्लेन का एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए। हो सकता है पायलट के पास जो चार्ट था उसमें गलत लिखा गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद पायलट ने उसे गलत पढ़ लिया हो। वेल, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर इसकी असल वजह ब्लैक बॉक्स ही बता सकता था। लेकिन इससे पहले कि ब्लैक बॉक्स का कोई सच सामने आता, उससे पहले एक और हादसा हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के क्रैश के 59 डेज बाद 31 जुलाई 1992 को थाई एयरवेज फ्लाइट 311 त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंडिंग के दौरान हिल से टकरा गया। ये दोनों प्लेन हादसे बिल्कुल ही एक समान था, और ये दोनों प्लेन भी एक ही कंपनी की थी।
उधर कुछ ही दिनों में ब्लैक बॉक्स का डाटा पेरिस से आ गया। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को छानबीन किया तो पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के डाटा ने ये रिवील किया कि प्लेन लैंडिंग पैटर्न को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर रहा था। समस्या बस इतनी सी थी कि प्लेन एक स्टेप आगे चल रहा था। इसे समझने के लिए हमें त्रिभुवन के स्टेप डिसेंट को समझना पड़ेगा। यही वो पेपर है जो उस दिन कैप्टन के पास था। इस चार्ट में यहाँ पर है रनवे। इस रनवे तक पहुँचने के लिए प्लेन को बहुत सारे विशाल पर्वतों को पार करना पड़ता है। यहाँ पर आप 11,500, 10,500, 9,500 लिखा हुआ देख सकते हैं। ये सब प्लेन का एल्टीट्यूड है। इसके अलावा D16, D13, D10 ये सब डिस्टेंस है माइल्स में, जो ये बताता है कि यहाँ से रनवे की दूरी 16 माइल्स, यहाँ से 13 माइल्स, यहाँ से 10 माइल्स है। नाउ बात करते हैं कि यहाँ पर प्लेन लैंड कैसे करता है। यहाँ पर प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड को मेंटेन करते हुए D16 तक पहुँचना है, यानी कि रनवे से 16 माइल्स की दूरी तक पहुँचना है। फिर नीचे आकर 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आना है और आगे की ओर 13 माइल्स तक उड़ना है। फिर 9,500 फीट के एल्टीट्यूड पर आकर 10 माइल्स तक पहुँचना है। इसी तरह से टोटल 7 बार करना होता है। जब प्लेन D1 तक पहुँचता है तो पायलट ये देखता है कि रनवे दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर दिखाई दे रहा है तो लैंड कर जाएगा, अगर नहीं दे रहा है तो फिर से टेक ऑफ करके निकल जाएगा। नाउ यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि हर सीढ़ी का डिस्टेंस एक समान नहीं है। पहली सीढ़ी को पार करने में थोड़ा टाइम मिल जाता है, ऑलमोस्ट 1 मिनट, लेकिन जैसे जैसे प्लेन आगे की ओर बढ़ता है सीढ़ी की लंबाई छोटी होती जाती है। मतलब कि प्लेन को तुरंत उतारो, थोड़ा आगे चलो, फिर तुरंत उतारो, फिर थोड़ा सा आगे चलो। इतना सब कुछ करने के लिए पायलट्स के पास महज कुछ ही सेकंड्स होता है। नाउ बात करते हैं कि फ्लाइट 268 के साथ आखिर क्या हुआ था। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अनुसार प्लेन एक सीढ़ी आगे की ओर चल रहा था, यानी कि 16 माइल्स तक प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर होना चाहिए, लेकिन ये 10,500 फीट के एल्टीट्यूड पर था। 13 माइल्स तक प्लेन का एल्टीट्यूड 10,500 फीट होना चाहिए था, लेकिन ये 9,500 फीट पर था। इस तरह से ये प्लेन एक सीढ़ी आगे चल रहा था। इस तरह से ये प्लेन D10 को पार कर गया। D10 को एक नाम दिया गया है सीरा। दरअसल ये एक रिपोर्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर आने के बाद पायलट से बताते हैं कि हम सीरा पॉइंट पर आ चुके हैं। फ्लाइट 268 के पायलट ने भी बताया कि हम सीरा क्रॉस कर चुके हैं। इस पॉइंट में प्लेन का एल्टीट्यूड 8,200 फीट पर होना चाहिए, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं प्लेन शुरुआत से ही 1,000 फीट नीचे उड़ रहा था। इसलिए फ्लाइट 268 8,200 फीट के एल्टीट्यूड पर नहीं बल्कि 7,200 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था। प्लेन उड़ता गया और अचानक बीच में हिल आ गया और फिर हुआ एक धमाका। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने ये बता दिया कि गलती आखिर कहां हुई थी, लेकिन ये पता लगाना अभी बाकी था कि गलती कैसे हुई। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने कॉकपिट का सारा डाटा निकाला। उसके बाद ये पता चला कि पायलट जिस पेपर को देखकर प्लेन को लैंड करा रहे थे उसे कॉकपिट में रखने का कोई जगह ही नहीं था। पायलट के योक में एक क्लिप लगा होता है ताकि जरूरी पेपर को वहां पर लटकाया जा सके और पायलट आराम से उसे देख भी सके, पर फ्लाइट 268 के योक में क्लिप लगाने की जगह नहीं थी। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इस सोच में पड़ गए कि आखिर उन्होंने इस पेपर को कहां पर रखा होगा कि उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई। पायलट उस पेपर को अपने लेफ्ट साइड भी रख सकते थे, लेकिन पेपर को देखने के लिए बार बार पायलट को मुड़ना पड़ता और स्टेप डिसेंट में कुछ ही सेकंड्स में प्लेन को डाउन करना होता है। ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि पायलट बार बार मुड़ के नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने पेपर को लेफ्ट साइड नहीं रखा होगा। इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि उन्होंने पेपर को कहीं रखा ही नहीं होगा, उन्होंने उस पेपर को अपने हाथों में ही होल्ड किया होगा। पायलट के पास यही वो पेपर था जो अभी मेरे हाथों में है। मैंने इसे बड़े साइज में प्रिंट किया है ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। लेकिन पायलट के पास जो पेपर था वो ऑलमोस्ट आधे से भी छोटा था। अगर पायलट ने उसे अपने हाथों से पकड़ा होगा तो इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि उसके हाथों से 11,500 फीट का एल्टीट्यूड कवर हो गया होगा। नाउ यहाँ पर जैसे ही ये कवर हो जाता है स्टेप डिसेंट का पूरा नक्शा ही 1,000 फीट नीचे हो जाता है।
जैसे कि 16 माइल्स पर प्लेन 11,500 फीट पर होना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम इसे हाथों से होल्ड करते हैं 11,500 फीट गायब हो जाता है और दिखाई देता है 10,500 फीट, यानी कि सही एल्टीट्यूड से 1,000 फीट नीचे। अगर प्लेन इसी तरह से स्टेप डिसेंट करेगा तो ये नीचे आकर 7,200 फीट के एल्टीट्यूड पर क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इस एल्टीट्यूड पर है एक विशालकाय पर्वत। फ्लाइट 268 भी इसी एल्टीट्यूड पर क्रैश हुआ, इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि पायलट के अंगूठे से 11,500 फीट हाइट हो गया होगा। हालांकि गारंटी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जिस तरह से ये प्लेन स्टेप डिसेंट कर रहा था उसके हिसाब से तो कुछ ऐसा ही लगता है। उस दिन काफी बादल भी था, यही वजह है कि पायलट टकराने से पहले हिल को नहीं देख पाया। नाउ यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर पायलट गलत एल्टीट्यूड पर प्लेन को उड़ा रहे थे तो ATC ने उन्हें गाइड क्यों नहीं किया? वेल, इसका एक सिंपल सा जवाब है रडार टेक्नोलॉजी। उन दिनों त्रिभुवन में रडार अवेलेबल नहीं था। पायलट के द्वारा बताए गए एल्टीट्यूड के हिसाब से ही ATC पायलट्स को गाइड करते थे कि उन्हें कहां पर होना चाहिए। इस तरह से कई महीनों के छानबीन के बाद ये केस सॉल्व हो गया। इन हादसों के बाद बहुत से लोग डरने लगते हैं और फ्लाइट में ट्रेवल नहीं करना चाहते। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये घटना 1992 की है। इतने सालों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार प्लेन एडवांस GPS इंटरनेट से लेस होते हैं। आज के दौर में ऐसी घटना होना नामुमकिन है, इसीलिए तो प्लेन दुनिया का सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है ट्रेवल करने का। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।